वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? फुरातुलैन। क्या करती हैं? मैं पढ़ रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ। ओके, आज मॉल में कैसे आई? बस ऐसे ही घूमने फिरने को, मौसम अच्छा था तो आ गई। अच्छा, मौसम की वजह से? मौसम। चलें, कोई पकौड़े शकौड़े कभी खाए हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, अकेडमी में खाए थे, अकेडमी में गए थे तो वहाँ पे खूब इंजॉय किया था। गुड। चलो मैं सवाल करती हूँ, ठीक है? मुझे बताओ वो क्या चीज़ है जो औरतें अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा देखती हैं? टीवी। नहीं, कई इलाकों मिरर भी देखती हैं। हाँ, चल गाली हम जाओ अपने लिए। क्या सुनाऊंगी मैं? कोई मैसेज दूंगी कि ये कि अगर इंसान जो होता है मुश्किलात में उसे कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है जब आपकी मुश्किलात या मुसीबतें बढ़ने लगें तो अल्लाह पाक आपके जो है समझ लें कि वो आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा चाहता है, बहुत ही बेहतर चाहता है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। कितने बहन भाई हो? हम 5। अच्छा, सबसे छोटी हो या बड़ी हो? बीच सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी? सबसे बड़ी हो। अच्छा, बड़ी होने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? बड़े होने के बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं, क्योंकि फायदा कोई नहीं है। फायदे भी हैं ही बट नुकसान ज्यादा है। क्या मतलब? देखे ना कि वो ज्यादा जो भी कोई काम ना भी हम करें तो हमारे ऊपर ही आता है कि जी वो बड़ा है, छोटे जो है वो कोई काम बिगाड़ते हैं तो फिर भी इंसल्ट हमारी ही होती है, यही नुकसान है। कौन करता है इंसल्ट? कौन इंसल्ट? मामा पापा सारे ही। मतलब वो यही कहते हैं ना कि आप बड़े हो, आपकी जिम्मेदारी थी, आपको संभालना चाहिए। गलत बात है, जो है ना। चले, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। ओके, थैंक यू। वेलकम जी। इन्होंने जो बात कही मैं उसी से रिलेटेड तमाम वालदेन को एक मैसेज देना चाहूंगी। प्लीज ये ना क्या करें कि जो घर का बड़ा बच्चा है आप उसको कहें तुम्हारी जिम्मेदारी है, छोटों को रिलैक्स करो। अगर वो बड़ा है तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। मैंने इवन देखा है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मुझे बड़ा बहन भाई होता है, पेरेंट्स को कहते हैं भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम देखो और लाइफ में जो बड़े तुम्हें बड़े हो तुम्हें चलना पड़ेगा। नहीं, बड़ा होना उसका कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि ये उसका कोई कसूर नहीं है इसमें। तो ये मत किया करें, सब बच्चों में बराबरी रखा करें। किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम सलाम। नाम? एस। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट भी हूँ और अपना बिजनेस कर रहा हूँ। किस चीज़ का बिजनेस? डीजे। डीजे, ओके। चलो मुझे बताओ वो क्या चीज़ है जिसको 2 साल में फ्रिज में रखो वो हमेशा गर्म ही रहेगी, चाहे उसको फ्रीज कर लो बर्फ में हमेशा गर्म ही रहेगी। क्या सुनाओगे? मैं सॉन्ग सुनाना चाहूँगा। तेनु इतना मैं प्यार करा, एक पल विच सवार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करा। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू जी। इन्होंने जो है वो गाना सुनाया और इंस्टार्ट ही वॉज ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट, बट मेरी ऐसे ही देखने में विद इन 1 सेकेंड वो नॉर्मल हो गए थे। तो शायद कन्फ्यूज़ होंगे, शायद उनके सामने उनकी फ्रॉन्से खड़ी हुई थी तो वो उनको शायद कुछ कहना चाह रहे होंगे, आई डोंट नो। खैर, मज़ा आया, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसमा नासिर। विरसा। आपका नाम? हिजाब। क्लास में आप? टू। टू। आप क्या करती हैं? आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। चले मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो औरतें अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा देखती हैं? अपने हस्बैंड को ही देखती हैं, आई थिंक सो। नहीं, शादी से पहले भी देखती हैं? अपना चेहरा। तो फिर देखा क्या? तो फिर क्या देखा? इसमें देखा चेहरा। आईना। आईना। क्लैपिंग करो अम्मा के लिए। चलो जी, क्या सुनाओ? Three red apple, three red apple hanging on a tree, hanging on a tree, and one for mama, and one for baba, and one for me, and one for me. Very nice. And aap? Aap anda roti sunao. Anda roti dahi paneer shakkar makkar khichdi ki, tum bhi lao, main bhi lao, tum bhi khao, main bhi khao. Very nice. And aapne?
चौनी चौनी यस पापा सामने देखो चौनी चौनी यस पापा आई थिंक नो मम्मा टू और आप हां जी इनका आपका आपके शेयर सुबह आपके नहीं आई कैन शेयर अ टिप सर्दियों का की मौसम है क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो आप जो है बेसन में एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन मिक्स करके अगर उसको थोड़ी देर अपनी स्किन पर लेप करें तो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू थैंक यू वेरी नाइस अच्छा जी मुझे बताएं मामा ज़्यादा अच्छी लगती है बाबा 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 और आपको मामा और आपको बाबा 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 के दो वोट आए हैं क्यों बाबा क्यों अच्छे हैं बताएं बाबा इसलिए हम लोग बाहर लेके जाते बाबा बाहर लेके जाते हैं और आपको क्यों अच्छे लगते हैं बाबा इसे बाहर लेके जाते बाहर लेके जाते हैं और आपको अच्छी अच्छी डिश बना के देती है ओहो ये फूड लवर है इस वजह से क्या खाने में अच्छा बनाती है चाइनीज बना देती है नगेट्स बना देती है वाओ वेरी नाइस आपकी तो मौजे ये ले जी लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट थैंक यू बच्चों जी बहुत प्यारी फैमिली थी बड़ा मजा आया बच्चे बड़े प्यारे प्यारे से थे बाबा ज्यादा पसंद है क्यों भाई क्योंकि बाबा बाहर लेके जाते हैं भाई ये तो जाती है ना अम्मा बाहर कैसे लेके जाएं अम्मा क्या करें बेचारी किसी और से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम नाम आपका तारक भट्ट मेरा नाम क्या करते हैं आप जॉब करता हूँ क्या नाश्ते की दुकान है मेरी क्या क्या मिलता है वहाँ पे वहाँ पर लाहौरी नाश्ते हैं लस्सी है बोतल है चाय है सालन है देसी चिकन है अरे वाह कहाँ पे आपकी बिहारी है फ्रूट स्ट्रीट के पास नाम टंसाली है टंसाली चले जी सवाल करें फिर आप हाँ जी बेशक और आप खुद भी बहुत खाते होंगे माशाल्लाह खाता हूँ अच्छा बट ज्यादा क्यों खाते हैं शौक है इनका खाना शौक है पाना शौक है इनका कपड़े और कपड़ों में तो इतना नहीं लेकिन खाने में तो बहुत ज्यादा हर चीज खाते हैं हम हर चीज खा जाते हैं चले सवाल करते हैं जी ठीक है मुझे बताएं आपसे मेरा सवाल है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर एक भी पत्ता नहीं है मुल्क है ग्रीनरी नहीं है वहाँ पे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है यहाँ पर मुल्क का ना कीड़े मकोड़े भी नहीं स्विट्जरलैंड में नहीं इतनी खूबसूरती है जब सर्दियाँ जाती हैं तो स्विट्जरलैंड में इतने प्यारे प्यारे पत्ते दुनिया के खूबसूरत फूल नज़र आते हैं वहाँ पे चलो मैं आपको साउंड सुना दूँ काश तुम मुझसे एक बार कहो तुमको मुझसे प्यार हो गया वादे वफा इकरार करो जीना सनम जुशवार हो गया तेरी वफा के इरादे सपनों को पास बुला के यूं ही तो है चेहरे बहुत तुमने ना पहचाना मेरी वफा पे एतबार करो तुमको मुझसे प्यार हो गया वादे वफा इकरार करो जीना सनम जुशवार हो गया ये ले जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए वेलकम जी नाश्ते की दुकान है इनकी यानी कि अपनी पूरी आउटलेट है बड़ा मज़े का नाश्ता है वहाँ पे चिकन है चने हैं पराठे हैं नान हैं भूख लग गई है ऊपर से इनका खाने का बिजनेस है ऊपर से खुद बटे हैं अपना ही खाना खुद ही खा जाते होंगे मतलब आई नो बट मैंने नोटिस किया जितना भी लोगों से पूछा बट जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं अच्छी बात है इंसान को खाते पीते रहना चाहिए ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है खूब खाओ किसी और से बात करते हैं वालेकुम अस्सलाम आपका नाम मुस्तजाब जारा आपका नाम मसूमा जारा आपका नाम सफदर हुसैन क्या करते हैं आप मैं बिजनेस करता हूँ कौन सी क्लास टू पर प्लस फाइव चलें जी मुझे बताएं दुनिया का सबसे ग्रीनेस्ट सरसब्ज मुल्क कौन सा है थाईलैंड थाईलैंड सब पाकिस्तानी कहेंगे क्या सुनाएंगे मैसेज जी
میرا میسج یہ ہے پاکستانی نیشن کے لیے کہ گورنمنٹ نے جو اس ٹائم ایک بڑا خوبصورت سٹیپ لیا ہے پبلک کے لیے کہ ہیلمٹ پہننا بہت ضروری ہے اور ان کی اپنی اس میں سیفٹی ہے, اور میں بھی پبلک سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو موٹر بائک چلاتے ہیں, اکیلے میں چلا رہے ہیں یا ود فیملی چلا رہے ہیں, تو ان کے لیے ہیلمٹ بہت ضروری ہے, ویری امپورٹنٹ فار دیم, تو یہ پہننا بہت ضروری ہے ان کے لیے, اور اس کی بڑی کیئر کریں, اور یہ گورنمنٹ کے اس آرڈر کو سمجھتے ہوئے آپ اس کے اوپر عمل لازمی کرنا ضروری ہے. تھینک یو, تھینک یو. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are about her, but so like a diamond in the sky. Aha! Achak there! Dil diyan gallam, karange naal naal veke, akh naal akh nu mila ke, dil diyan gallam, haam, karange naal naal veke, ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਸਾਂ ਰੁਲਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਸਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਜੇ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਵਖਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیں گے. تھینک یو, یو ویلکم. جی, دل دیاں گلاں بہت ہی فیمس گانا ہے, بہت ہی مشہور ہوا تھا, اور میں نے تو تقریباً ہر ایک سے یہی گانا جو ہے وہ زیادہ تر سنا ہے. چلیں کسی اور سے کچھ اور اچھا سا گانا سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عائشہ. عائشہ, مجھے بتائیں وہ کون سا خزانہ ہے انسان اس کو جتنا مرضی لٹا لے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا؟ جتنا مرضی لٹا لے ختم نہیں ہوتا. مائنڈ میں نہیں آ رہا. سانگ تو میرا دل میری اے جان جانے جہاں تو میرا مانے. کون سی کلاس میں ہو؟ میں فرسٹ ایئر میں. فرسٹ ایئر میں کیا کر رہی ہوں؟ میں ایف اے. ایف اے کیا بننا چاہتی ہوں؟ ایف اے بننا تو کچھ نہیں بننا. کچھ نہیں بننا. پڑھائی کہاں تک پڑھنا کہاں؟ ابھی بکس لینی ہے فرسٹ ایئر. ایف اے کے بعد بی اے کرنے کا بھی ارادہ یا نہیں؟ وہ بھی پھر کروں گی. بس پڑھ کے شادی نہیں بننے کا. تم نے کہا میں نے کچھ نہیں بننا, گھر بیٹھی رہو گی. اسٹڈی کا موڈ نہیں ہے. اسٹڈی کا شوق نہیں ہے, کچھ بننے کا شوق نہیں ہے, شادی نہیں کرنی, تو کرنا کیا ہے؟ ویلی رہنا ہے. بس گھر میں رہنا ہے, بیٹھے رہنا. چلو, لاہور نیوز کی طرف سے تمہارے لیے گیا. ہاں, بڑے ہی آج کل کے بچے جو ہیں وہ عجیب ہو گئے ہیں. پڑھائی اس نے نہیں کرنی, کچھ بننا اس نے نہیں ہے, شادی اس نے نہیں کرنی, بس بیٹھے رہنا ہے. ڈونٹ میک یور سیلف یوز لیس, اپنے آپ کو یوزفل بناؤ, یوز لیس مت بناؤ, کیونکہ وقت کے بعد آپ ویسے یوز لیس ہو جاتے ہو. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جائے, آپ چل پھر نہ سکو. جب اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو زمین پر یا اپنے آپ کو بیٹھ بیٹھ کے ضائع مت کرو, ٹھیک ہے؟ پڑھو, پڑھو, باہر نکلو, کچھ کرو لائف میں. ایٹ لیسٹ نہیں کرنا, شادی کرو, ایک اچھی فیملی لائف بناؤ, لیکن اس طرح نہ کرو برباد. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا نام؟ میرا نام مسز شہزاد, میں کراچی سے آئی ہوں. اوکے بیبی, آپ کا نام؟ محمد اشام. اوکے, کراچی کے کیا حالات ہیں, موسم کیسا ہے؟ کراچی کا ویدر یہاں سے اب تھوڑا بہتر ہو گیا ہے, پر لاہور زیادہ ٹھنڈ ہے. لاہور میں تو کافی زیادہ اچھا ہے, لاہور میں تو بہت ٹھنڈ پڑتی ہے. چلیں جی, سوال کرتے ہیں آپ سے. مجھے بتائیں, عورتیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیا دیکھتی ہیں؟ آج کل تو موبائل ہی یوز ہوتا ہے. دیکھتی ہیں, دیکھتی کیا ہیں؟ دیکھتی کیا ہیں؟ ڈرامے دیکھتی ہیں, ڈریس. ڈریس دیکھ اتنا دیکھتی نہیں ہے, بس وہ دیکھتی بہت ہیں. کیا چیز, کیا سنائیں گے؟ کوکنگ, چکن, چکن بروسٹ کی ریسیپی بتا. چکن کو پہلے بوائل کر کے اس میں
ब्लैक पेपर, चाइनीज सॉल्ट और नमक डालें और उसको बॉयल कर लें, और फिर उसके बाद उसको बॉयल करके तो उसके अंदर चिकन तंदूरी मसाला डाल के और चिकन वो गार्लिक पेस्ट और चिली पेस्ट डाल के, तो इसको सिरका और दही डाल के इसको मैरिनेट करके 30 मिनट्स के लिए रख दें, और उसके बाद इसको कॉर्नफ्लोर और चावलों का आटा लगा के इसको फ्राई कर लें अंडे के साथ। वाओ, कराची में मशहूर क्या खाने में? बिरयानी। अच्छा, वो तो बहुत मिर्ची नहीं होती उसमें? नहीं, कराची वालों को ज़्यादा बिरयानी पसंद है। नहीं, मैंने वहाँ खाई थी कराची बिरयानी की, पर वो बहुत स्पाइसी थी। नहीं, और बहुत सी हैं बिरयानी, बंस रोड पे बहुत मिलती हैं बिरयानी। आप लोग भी बहुत स्पाइसी खाते हैं? हलीम भी बहुत अच्छी होती है। आप लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं? हाँ, हम लोग स्पाइसी खाते हैं। फुल वाली? फुल वाली नहीं, लेकिन खाते हैं स्पाइसी। आप जो घर में खाना बनाती हैं स्पाइसी बनाती हैं? जी, मैं स्पाइसी बनाती हूँ, लेकिन वो इतना हेल्थ के लिए सही नहीं है। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू। थैंक यू जी। इन्होंने बताई कि कराची में खाने में जो है वो बहुत चीज़ें अच्छी जो हैं वो मिलती हैं, ख़ास तौर से कराची की बिरयानी का इन्होंने ज़िक्र किया और कराची की हलीम का ज़िक्र किया। लेट मी टेल यू, डोंट डिफाइन योर फूड विद द स्पाइस, एक बड़ी मशहूर बात है, कहावत है, अपने खाने को मिर्चों से मत नापो कि बड़ी मिर्चें हैं तो बड़ा मज़े का खाना है। नहीं, मिर्चें होना फॉल्ट है, आपको इतनी मिर्चें नहीं खानी चाहिए, मिर्चें आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अभी आपको महसूस नहीं होता, जब आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, जो हमारा मैदा है वो ज़्यादा मिर्चे वाली चीज़ों को हज़म नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे जिस्म में ऑलरेडी बहुत नमकियात होते हैं, जब मिर्चें भी उसमें शामिल हो जाती हैं तो हमारा खाना सही से हज़म नहीं होता, हमें हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, वो थक जाता है, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस खाने को जस्टिफाइड कह लो या हज़म कह लो या कुछ भी कह लो बेयर करने के लिए। तो इसलिए आप मिर्चों वाला खाना ना खाएं, मगर अगर आप लोग मिर्चें खाते हैं तो आप अपना पानी का कंटेन बहुत ज़्यादा कर लें, जहाँ आप 12 ग्लास पानी पीते हैं वहाँ आप 18 ग्लास पानी पिएं, और आप लोग दही बहुत ज़्यादा खाएं तो मिर्चें वैसे तो खाएं ना, मसाले डालें आप, उसमें ऑरेंज जूस डाल लें उसको चटपटा बनाने के लिए, आप उसमें लेमन डाल लें, ये बहुत फ़ायदाफुल है, लेमन बहुत हेल्दी है, ऑरेंज बहुत हेल्दी है, आप अपने खाने को खट्टा मीठा सा कर सकते हैं ताकि वो अच्छा लगे, मगर प्लीज स्पाइस से अवॉइड करें। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का, 16:07 ब्रेक।